दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर्स को आप रुचि के साथ में पढ़ो और जैसे मैं बता रहा हूँ देखो वैसे याद करने की कोशिश करो। जैसे पलक शर्मा है तो पलक शर्मा जी को प्रिंसेस डायना अवार्ड, तो यूं याद रखो कि पलक जी को प्रिंसेस है ना, पलक जी को पैसे पे मिला तो प्रिंसेस डायना अवार्ड। पलक जी को क्या मिला है हाथों हाथ देखो याद हो जाएगा, आज आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पलक जी को प्रिंसेस डायना अवार्ड मिला है, ठीक है सर। कृतिका कुमारी जी है, झुंझुनू की है, महिला पायलट है, भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल हुई है, है ना। रमेश गांधी जी है, देश में तंबाकू नियंत्रण मॉडल विकसित करने के लिए रमेश जी गांधी जी को रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। तो गांधी जी नशाखोरी के विरोध में थे, तो यूं याद रखो डॉक्टर रमेश गांधी जी ने तंबाकू नियंत्रण का मॉडल विकसित किया। दिया कुमारी जी, तो आप इस मन में सोचो कि बाकी जो एमपी है वो तो देश में ही है, दिया कुमारी जी देश से बाहर है, बिल्कुल वो छाई हुई है और उनको ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है आईपीयू उनके स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो आप इतना याद रखो कि दिया कुमारी जी भारत से बाहर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ है उसकी आईपीयू जो कमेटी है उसके अंदर स्थायी समिति के रूप में है। इस तरीके से याद रखने की कोशिश आप करो। जैसे विजयलक्ष्मी जी है, ठीक है, तो इनको मदर टेरेसा अवार्ड दिया गया। तो आप याद रखो विजय तब मिलती है जब मदर साथ में हो, तो विजयलक्ष्मी जी को मदर टेरेसा अवार्ड मिला। इसी तरीके से याद रखो रणजीत सिंह गुर्जर है, राजस्थान विश्वविद्यालय में इतिहास के अंदर, राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार है जब क्या हुआ, यहाँ का विद्यार्थी है, नाम रणजीत सिंह गुर्जर है, गणतंत्र दिवस परेड पर देश के एनसीसी दस्ते में परेड का नेतृत्व किया था। रण यानी कि युद्ध, ये इतना महत्वपूर्ण मेरे को नहीं लगता लेकिन याद करने का तरीका बता रहा हूँ। रणजीत है ना, और वहां भी कहाँ दिखाया कि 26 जनवरी को क्या किया, रण में दिखाया, परेड के अंदर भाग लिया। तो चीजों को सिंबोलिक रूप से याद करने की कोशिश करो। इसी तरीके से एक और बताता हूँ, इशरत बानो क्या किया इन्होंने साहब, महिला कोविड योद्धा के अंतर्गत हीरो के रूप में आया। इशरत है, इशरत यानी ईश्वर, ईश्वर 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 यानी कि भगवान, भगवान बीमारी से बचाए, अपन कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कि भगवान बचाए बीमारी से, तो इशरत जी ने क्या किया, ईश्वर बन गया कोविड के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आप याद रखो कृति भारती, कृति भारती क्या है, जोधपुर के अंदर सारथी ट्रस्ट है, उनकी एमडी है, और हुआ क्या, प्राइड ऑफ द नेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला। तो कृति जी को क्या मिला, ऐसा काम किया कि अवार्ड मिल गया तो प्राइड मिल गया, प्राइड से देख लेना कैसा, प्राइड ऑफ द नेशन एक्सीलेंस अवार्ड। इसी तरीके से डॉक्टर प्रियंका शर्मा, तो प्रियंका शर्मा जी को क्या किया, प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल प्राइज फॉर वॉटर के लिए अवार्ड हुए, इनाम मिला इनको। तो प्रियंका भी आ रहा है, प्रिंस आ रहा है, तो इस तरीके से सिंबोलिक जो चीजें है ना उस तरीके से आप याद रखने की कोशिश करो। और बताता हूं, जैसे देखो शिखा शर्मा, तो यूं याद रखो कि सुंदरता में तो शिखा जी है, सुंदरता में तो शिखा जी है, मिसेज इंडिया राजस्थान रॉयल ब्यूटी का खिताब मिला है। इसी तरीके से जैसे गीता कुमारी जी है, तो गीता कुमारी जी राजस्थान से चयनित एकमात्र शिक्षिका है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। तो गीता जी क्या है, गीता जी ज्ञान की पुंज है, गीता जी को ज्ञान के लिए क्या मिल गया, पुरस्कार मिल गया। इसी तरीके से जैसे याद रखो साफिया खान, तो इन्होंने स्मार्ट इंडिया जो हैकथॉन है उसके अंतर्गत इन्होंने अवार्ड जीता, और क्या जीता, परीक्षा में नकल को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर के लिए पुरस्कार मिला। तो नाम याद करो, साफिया जी ने क्या किया, सॉफ्टवेयर बनाया, साफिया जी ने क्या किया, सॉफ्टवेयर बनाया। इसी तरीके से सुरेंद्र अवाना क्या किया इन्होंने साहब, हल्दर ऑर्गेनिक पुरस्कार मिला। तो आप यूं ही लिख दो अवाना जी को ऑर्गेनिक अवार्ड मिला, सुरेंद्र जी को भूल जाओ, अवाना जी को ऑर्गेनिक अवार्ड मिला। अब भक्ति शर्मा, भक्ति शर्मा क्या है, देश की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय तैराक है जिनके जीवन पर बायोपिक जो फिल्म है वो बनेगी। इसी तरीके से देखो सरकारी कर्मचारी, उनका ओमकार, सरकारी कर्मचारियों का ओमकार किससे होता है, भलाई किससे होती है, तो याद रखो राजस्थान सरकार ने तबादला नीति के लिए ओमकार सिंह की अध्यक्षता के अंतर्गत कमेटी बनाई है। अब देखो जो चीजें बताई उनको वापस आपको याद करता हूं, पलक शर्मा प्रिंसेस डायना अवार्ड, कृतिका कुलहरी है भारतीय वायुसेना के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर है, दिया कुमारी को दुनिया की, दुनिया से बाहर यानी भारत से बाहर दुनिया के अंदर क्या मिला, आईपीओ का जो अवार्ड है वो मिला है। देखो हाथों हाथ याद हो रही है चीजें आपको, ठीक है। प्रियंका शर्मा जी को क्या मिल गया, प्रिंस सुल्तान अवार्ड मिल गया, कृतिका भारती ने ऐसा काम किया कि उनको प्राइड ऑफ द नेशन मिल गया, ईश्वरत मानव जी ने क्या किया, जो ईश्वर करता बीमारियां दूर करता वो बीमारियां दूर कर दी, और विजय लक्ष्मी जी को क्या हो गया, विजय किसे मिलती है, मां के शरणों में मिलती है, मदर टेरेसा अवार्ड मिल गया। रणजीत सिंह गुर्जर क्या हो गया, गणतंत्र दिवस परेड के अंदर भाग ले लिया, और क्या हुआ साहब, शिखा जी सुंदरता की प्रतिमूर्ति है, गीता जी ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, सानिया साफिया खान जो है वो सॉफ्टवेयर बनाती है, अवाना जी ऑर्गेनिक जो खेती है उसमें नाम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ओंकार सिंह जी है उनसे सरकारी कर्मचारियों का भला होना, तबादला नीति बननी। तो इस तरीके से सिंबोलिक तरीके से याद करने की कोशिश करो, सारी चीजें याद हो जाएगी।